आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ चित्र द्वारा समांकों के प्रदर्शन में कि समांकों को उपविभाजित दंडचित्र यानी कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर उपविभाजित दंडचित्र को जरा अच्छे से समझाइएगा, तो पूरी वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया जाता है। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का और स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स का बेस्ट चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है इसके थ्रू आपको क्या बनाना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ध्यान में रखना है ये कि उपविभाजित बार डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये तब बनाया जाता है जब एक ही वस्तु से रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया होता है और हमें एक ही बार में उन इंफॉर्मेशन को अगर हमें दिखाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दो ईयर दे रखा है 1617 और 1718 और इनकी इंफॉर्मेशन दे रखा है वीट राइस शुगर ग्रेन, तो एक साल के तीनों ग्रेन्स को और दूसरे साल के भी तीनों ग्रेन्स को हम बार में दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही बार को विभाजित करना यानी कि डिवाइड करके शो करना पड़ेगा। किस तरह से शो करेंगे देखिए, तो इस क्वेश्चन को इस इंफॉर्मेशन को बार डायग्राम यानी कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में शो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें इस इंफॉर्मेशन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। कैसे देखिए, जैसे 2016-17 का इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, वीट कितना दिया हुआ है 70, राइस है 60 एंड शुगर केन है 30। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, दैट इज 70 और 60 130 एंड 30 है 160, क्लियर। उसी तरह से हम 2017-18 को भी चेंज कर लेंगे, ये कितना दिया हुआ है 80 70 एंड 50, तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कितना 80 या 70 150 और 150 एंड 50 हो जाएगा आपका 200, ठीक है ना। ये 200 है हाईएस्ट, ये 160 है। अब क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया होता है, जैसे यहां का टोटल कीजिए 160 आएगा और यहां का टोटल कीजिए 200 आएगा, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेते हुए, हाईएस्ट डेटा को लेते हुए, उतने हाईएस्ट तक हमें क्या करना है, डेटा को शो करना है। अब यहां पर 160 है, 200 है, हाईएस्ट है 200। अगर हम डेटा को सही से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, स्टडी करते हैं, देखेंगे जो ग्राफ में अगर हम इंटरवल लेते हैं तो 20-20 का इंटरवल सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 20-20 का गैप लेके y एक्सिस पे इंफॉर्मेशन को डेटा को लिख देंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। इसके बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले 2016-17 का बनाएंगे, तो हाईएस्ट कितना है 160, तो बार एक बनाएंगे 160 का डायरेक्ट, यहां तक एक बार बना दिया, ये है आपका 2016-17 का बार और दूसरा है 17-18 का, हाईएस्ट कितना है 200 तक, तो 200 तक बना दीजिए। ये दो बार बन गया हमारा 2017-18। अब हमें क्या करना है, इस बार को डिवाइड करना है क्योंकि एक ही बार में हमें तीन इंफॉर्मेशन देना है, वीट को भी, राइस को भी और शुगर के। सबसे पहले वीट कितना है 70 यानी कि 60 और 80 के ठीक बीच में यहां तक, दूसरा है राइस 60। अब हमें 70-60 नहीं देखिए, हम क्या करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 देखेंगे, कहां तक 20 और 40 के बीच में 130, ठीक है ना। इसको हमने डिवाइड कर दिया, उसी तरह से 70-80 का डिवाइड कीजिए, वीट है 80 बिल्कुल 80 के सीरीज में, दूसरा है राइस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 160 और 40 के बिल्कुल मिडिल में, और इसको ऊपर जो बचा वो शुगर केन है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम ऐसे पहचान नहीं पाएंगे कि राइस कौन सा है, वीट कौन सा है, शुगर केन क्या है, इसके लिए हम क्या लेंगे, सिंबल लेंगे। सिंबल तीन चीजें हैं, तीन अलग अलग सिंबल ले लीजिए, ठीक है ना। सिंबल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले वीट को शो करेंगे ब्लू लाइन में, ठीक है ना, राइस को शो करते हैं रेड में, और जो ब्लैंक है वो हो जाएगा आपका शुगर केन, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट बीट, तो दोनों को में हम सेम बना देंगे तो पता चलेगा ये जो ब्लू कलर में है ये आपका वीट है, दूसरा है रेड में है राइस,
तो ये हो गया राइस, राइस का डिवीजन, और जो ऊपर रह गया डिवीजन ब्लैंक वाला, ये आपका क्या है, शुगर केन का। सिंपल तरीका है, सिंपल पे है, आपने उपविभाजित गणचित्र बना लिया है अच्छे से। थैंक यू।